तो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम इस वीडियो में रिव्यू देने वाले हैं बादी लाल की मावा कुल्फी की। हाँ जी, तो आज हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। गर्मियां चल रही हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक को ये खूब पसंद आती है। और क्या ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स दिए हुए हैं और पर 100 ग्राम हमको कितने न्यूट्रिशंस और मिनरल्स मिल रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बादीलाल कंपनी की तो है ही, और है क्या मावा कुल्फी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके प्राइस की बात करें तो ये 20 रुपए की है, 40 ml की है ये। हाँ जी, 50 ml की भी नहीं है, 40 ml के लिए आपको 20 रुपए चार्ज देने पड़ते हैं। और ये बनी है 6/24 में, और ये जो है यूज कर सकते हैं 5/25 तक। बहुत लंबी लाइन है भैया इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए तो इसको अनबॉक्स अभी करेंगे क्योंकि पिघल तो जाएगी, ये तो 100% है। जब तक मैं इसका रिव्यू दूंगा तब तक, तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ये एक प्रकार की मावा कुल्फी है और ये मीडियम फैट फ्रोजन डिजर्ट्स है, यानी कि इसमें 100% फ्रोजन फ्रूट्स दिए हुए हैं फैट। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बता दूं, एक तो इसमें पानी का इस्तेमाल किया गया है, वाटर। शुगर का इस्तेमाल किया गया है, कितना किया गया है नहीं बताया गया है। ठीक है, देखते हैं। और मिल्क सॉलिड्स, यानी कि मिल्क सॉलिड्स कितना दिया है वो भी नहीं बताया। एडिबल वेजिटेबल ऑयल, यानी कि पाम ऑयल, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और लिक्विड ग्लूकोज दिया हुआ है, मेल्टोडेक्स्ट्रोइन दिया है, और इमुल सिफिर 471, स्टेबिलाइजर्स 412 466 415 407, और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो यानी कि इसमें मावा कुल्फी तो कहीं दिख नहीं रही है, मतलब मावा का नाम तो कहीं दिया नहीं है, और इन्होंने मिल्क सॉलिड्स लिखा है तो हो सकता वही मावा हो। तो इसमें दूध का इस्तेमाल कहाँ किया गया है मुझे नहीं पता है, मावा कितना दिया गया है वो भी नहीं पता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 100 पर ग्राम में हमें कितनी एनर्जी मिलती है। 198 कैलोरी, ओ वाह, यानी कि ये 40 ग्राम की है तो हमें लगभग 98 कैलोरी आराम से मिलेंगी। प्रोटीन इसमें 4.3 ग्राम है, प्रोटीन है लेकिन 100 ग्राम से बहुत कम है। और कार्बोहाइड्रेट 23.1 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 2 mg, ओहो, टोटल शुगर 17.5 ग्राम दिया हुआ है शुगर, बाप रे, 40 ग्राम में 17 ग्राम तो इसमें शुगर ही है। एडिड शुगर 14.7 ग्राम, टोटल फैट 9.8 ग्राम, और सैचुरेटेड फैट 7.1 ग्राम, और ट्रांस फैट 0 ग्राम, सोडियम 64 mg, ओहो। ठीक है, तो ये तो रही इसकी डिटेल। और देखिए वैसे तो मैं यही कहूंगा कि इसमें पाम ऑयल दिया गया है, इससे जितना बच सके उतना बच सके, इसको उतना इस्तेमाल ना करें। और बहुत ही आपको क्रेविंग हो रही है तो कोई और चीज का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप अपने घर में ही कुल्फी बनाएं और आप अपने आप ही खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और अपने माता पिता बड़े बूढ़ों को भी खिलाएं। तो इससे बचे, इसमें पाम ऑयल और शुगर भर भर के दिया हुआ है, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और इसका टेस्ट तो मैं आपको बता ही देता हूँ, खुशबू बता देता हूँ। फिलहाल ये लगी है पिघलने, और इसको रखने के लिए हमें, इसको बचाने के लिए, इसकी जो ये पिघलने लग गई है इसको बचाने के लिए हमें एक डीप फ्रीजर की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मल फ्रिज में भी ये पिघल जाएगी, इसकी सेप खराब हो जाएगी, तो इसको इसकी सेप बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी खुशबू इस लकड़ी की भी आ रही है, ये जो लकड़ी की खुशबू है वो आ रही है इसमें, और लग गई मावा और मिल्क की तो कुछ खास खुशबू आ नहीं रही है, हल्की फुल्की एक स्मेल है इसमें, स्वीट बहुत है। और एक कुल्फी का जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर इसमें आ रहा है अच्छे से, और दिखने में मावा जैसी ही लग रही है, मावा वाला भी फ्लेवर आ रहा है इसमें थोड़ा सा, जो इसमें पाम ऑयल डाला गया है ना,
खाने के बाद वो पाम वाला एक बाद में चस्का ता आता है थोड़ा सा, और फिर जब तक चस्का वो आपको मिलेगा तब तक आप फिर एक बार चूस लेंगे इसको, तो वो आपको ज्यादा फील होता नहीं है। ठीक है, स्वीटनेस है, ठंडा है, ठीक है। अगर आपको इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो आपका अपना पूरा डिसीजन रहेगा। ठीक है, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बता दिया है। आपको घर होम मेड आइसक्रीम अच्छी लगती है या कुल्फी अच्छी लगती है, या आप घर में बनाना प्रिपेयर करेंगे, या फिर आप यही 20 रुपए वाली मार्केट की अनहेल्दी कुल्फी खाना पसंद करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।